वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाल दुम के कबूतर की नस्ल अपने छत पे कैसे बनाएं। आप भाई भाई मेरे पास कमेंट बहुत आ रही थी यार, वसीम मैं अपने दो बाज लल सिरे कल सिरे की वीडियो बनाए हूँ नस्ल बनाने की। एक बार लाल दुम की नस्ल आप बताइए किस तरीके से हमें छत पे बनाना है। वही मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके भाई ऐसे रहेंगे आपको कर लेंगे ना आपके 101% आप छत पे वो नस्ल बना सकते हो लाल दुम की, जो मैं आपको ये फोटो वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए अब बात आती है कि यार ये लाल दुम पे होते कौन सी नस्ल है, पंजाबी होते हैं कि देसी होते हैं कि मद्रासी ना बोले कौन सी नस्ल के होते हैं। अब आपको ये नस्ल बनाना है तो नस्ल के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको नस्ल के बारे में ही मालूम होगा ना तो ही आप लाल दुम पे कबूतर की नस्ल बना सकते हो भाई बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको बताऊँ ये जो नस्ल है ये है अम्बरसर है, हाई फ्लायर कबूतर है ये कबूतर भाई, बुलंदी पे जाके उड़ते हैं आसमान पे जाके उड़ते हैं ये नस्ल वो है, ना मद्रासी है ना पंजाबी है ना देसी है, सिर्फ हाई फ्लायर कबूतर है भाई ये नस्ल जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये नस्ल बनाना है ना तो भाई ये नस्ल बनाने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ भाई, दो नस्ल बनाना है तो बहुत समय ख़राब होता है, 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल भी ख़राब हो सकते हैं। कभी आपको सही साइड नस्ल भी कबूतर मिल गया तो जल्दी बन जाएगा, कभी कबूतर नहीं मिले तो भाई समय ख़राब होंगे, समय ख़राब होगा ना भाई, सही गलत। तो आप एक जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा आप लाल दुम्बे का लेके आ जाओ, कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर लो आपके शहर से या दूसरे शहर से दूसरे गांव से या कहीं ना कहीं से आप एक जोड़ा अम्बरसर है प्योर अम्बरसर है पूरे सफ़ेद और पूरे लाल दुम के कबूतर आप लेके आ जाओ। कितने का आएगा भाई, 1000 2000 हाँ तो 3000 का जोड़ा आएगा, अच्छा से अच्छा आप अंडे उनका आप जोड़ा लगाओ और अंडे बच्चे करते जाओ, उनके अंडे आगे बढ़ाते जाओ, लाल दुम के कबूतर घुमा करेंगे आपको आपकी पसंद के रास्ते का। इसमें वीडियो बना रहा खास तो ये नस्ल हमको नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक तरीका दूसरा तरीका बता रहा हूँ भाई। दूसरा तरीका ऐसा है, लाल दुम का एक कबूतर आपके पास होना चाहिए, आपके पास लाल दुम का एक कबूतर होगा ना तो भाई आप नस्ल बना सकते हो, नहीं तो भाई नस्ल बनना बहुत मुश्किल हो जाती है, नस्ल नहीं बनती है, उसके लिए आपको एक कबूतर होना ज़रूरी है। लाल दुम का मादी हो या नर हो वो आपका लक वो आपकी किस्मत। अब उसके साथ मैं आपको एक ऐसा कबूतर बता रहा हूँ जो 101% आपके छत पे नस्ल बन जाएगी, पूरा सफ़ेद कबूतर बेदाग, उस पर कुछ भी दाग नहीं होना। अब उधर जाओ ना भाई मेरे पास क्यों आ रहे, पूरा सफ़ेद कबूतर होना उस पर कुछ भी दाग नहीं होना, ना 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 लाल ना पीला ना हरा ना पीला ना कुछ भी कलर का दाग नहीं होना। और लाल दुम के साथ में पूरा सफ़ेद कबूतर आप लगा दोगे तो इंशाल्लाह जब भी कबूतरी अंडे देंगे ना तो एक बच्चा तो भाई लाल दुम में निकालेंगे भाई, अजमा लेना आप कर लेना, आपके छत के ऊपर नस्ल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार वसीम भाई लाल दुम के साथ में पूरा सफ़ेद कबूतर ही लगाना ज़रूरी है, हाँ भाई लाल दुम के साथ में पूरा सफ़ेद लगा पूरा सफ़ेद कबूतर लगाना ज़रूरी है। आप कभी काला लगाओगे या नीला लगाओगे तो आप लाल दुम के बच्चे नहीं बनेंगे, सफ़ेद में ऐसा है कि आपके पास दूसरा जो कबूतर पूरा सफ़ेद है काली दुम का तो वह एक बच्चे दो बच्चे वो निकाल देगा बहुत ही आसान। अब आपने आपके पास लाल दुम्बा है नर, अपने जोड़ा लगाए बच्चा निकल गया मादी बन गई, लाल दुम्बी मादी बन गई तो आप जोड़ा लगा दो नर के साथ में आपके, तो मालूम है क्या हुआ आपके छत के ऊपर जब भी अब वो अंडे बच्चे करेंगे तो दो बच्चे निकलेंगे लाल दुम्बे भाई, ये आप अजमाना 101% आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। और ये मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको भाई रिजल्ट मिलेगा फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको दो तरीका बताया, एक आसान तरीका बताया कि आप जोड़ा अरेंज कर लो
ललदुम्बे आप जोड़ा लेके आ जाओ आसान तरीके से। आप जोड़ा लेके आ जाओगे आपका समय ख़राब नहीं होगा। तो मैंने जो आपको तरीका बताया दो तरीका, अब आजमा लो भाई और करो इंशाल्लाह। आप जो मनचाहे नस्ल बनाना चाहते हो नस्ल आपकी छत पे बन जाएंगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं भाई और कुछ नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।